Hi guys, this is Rizwan Sikandar here and you're watching Bollywood Adda. Anyway, hi, मेरा नाम रिजवान सिकंदर है और लास्ट ईयर मैं रोडीज एक्स टू में था और इस साल जो है मैंने दो शॉर्ट फिल्म्स किया जिनका नाम है टेक्स एक्स जो कि एक मैसेज पर हमने फिल्म बनाई है. बेसिकली आजकल के ज़माने में कैसे टेक्नोलॉजी है जो है कि इंसान के लाइफ पर जो है कैसे इफेक्ट कर रही है और किस हद तक वो जा सकती है. सो इट्स स्लाइटली कॉमेडी एंड जैसे टाइटल कहता है टेक्स एंड सेक्स. सो उन दोनों के माध्यम में जो है इन दोनों के बीच में जो है कॉमेडी सा टच है उसके अंदर और इस पर हमने फिल्म बनाई है और मेरी को स्टार है उसमें कुबरा सैफ जो कि बहुत बड़ी जो है MC रह चुके हैं और काफ़ी सारी बड़ी बड़ी फिल्में करी आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे. और मेरी दूसरी फिल्म है इट्स कॉल्ड व्हाट डू यू वांट. इट्स आल्सो बेसिकली हॉलीवुड की फिल्म है स्विमिंग विद द शार्क. केविन स्पेसी जो कि बहुत बड़े एक्टर हैं. सो दिस डायरेक्टर फ्रॉम दुबई फिलिप जमान उन्होंने मुझे कहा कि ये सब्जेक्ट है और इस पर जो है मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ. सो आई फील यू आर द परफेक्ट गाय फॉर दिस. सो मुझे लगा कि इसके साथ जुड़ना चाहिए और जहाँ तक कि जैसे ये एक्टर होता है एक हमेशा भूखा होता है कि कहाँ उसे परफॉर्मेंस करने का मौका मिल जाए. सो एक वो सही मैच रहा और हमें इसमें काम करने बहुत मज़ा आया. और जैसे कि आप सभी जिन जिन लोगों ने ये फिल्म देखी है सभी लोगों ने तारीफ तो की है. सो एक अच्छा लगता है कि यू नो सभी आपका काम अप्रिशिएट करते हैं और सराहते हैं. सो अच्छी बात यह है कि इस फिल्म में जो है ये 5 मिनट की फिल्म है और 5 मिनट की फिल्म में एक स्क्रीन प्रेजेंस होना और उसको पावरफुली एज एन एक्टर परफॉर्म करना ये बात मैंने जिन जिन लोगों ने देखा है उनके मुँह से सुनी है. सो अच्छा लगता है जी. इसके अलावा अगर रोडीज की बात करें तो रोडीज की जर्नी से लेकर अब तक क्या चेंजेस आए हैं आप में, अगर आप में बात करें और काम करने के तरीके में क्या चेंजेस आपने अपने आप में महसूस किए? रोडीज एक्स टू से लेके तब से लेके अब तक एक ये अच्छा मेरा अनुभव रहा है रोडीज एक्स टू के अंदर कि हमें जर्नी काफ़ी और टास्क और ये पूरी जो है मेरी पूरी जर्नी जो है बहुत ही मेमोरेबल रही है और टास्क करते वक्त हमें बहुत मज़ा आया. कॉम्पिटिशन अपनी जगह पर था. आज भी सारे के सारे जो हमारे दोस्त हैं कंटेस्टेंट हैं जैसे कि प्रिंस है गुरमीत है और यू नो आर्चीज हैं तो ये सभी और जैसे कि हमारे गैंग लीडर्स रण विजय और करण हम सभी एक अच्छे से एक दोस्त की तरह हैं आज के दौर पे. और ये एक अच्छी बात है कि उन्होंने हमें जो है अपने छोटे भाइयों जैसा रखा है तब से लेके और अब तक. और इसके साथ ही साथ विथ मी जो ग्रोथ हुआ है मुझे एडवेंचर का और ज़्यादा चस्का हो चुका है. मैं पहले से ही एडवेंचर थ्रिलर था सीकर था और तब से लेके मुझे जो है घूमने का और इस तरह की उटपटान हरकतें करने का जो है और भी ज़्यादा मज़ा आता है. और एज एन एक्टर आई वुड से कि मेरा ग्रोथ भी काफ़ी हुआ है. मैंने एक गाना लिखा था इनफैक्ट रूडीज़ के बाद मैंने एक रूडीज़ के लिए गाना लिखा था और जो कि काफ़ी सभी लोगों ने सराहा है आई थिंक बट आई गिव इट ऑनलाइन पोर्टल. सो वो भी इस तरह से कुछ जाता है. राजस्थान का बादशाह हूँ मैं हर जगह की शान हर चाल की मैं मात हर धनुष की मैं बाण सोच समझ कर लियो पंगम मुँह दूंगा गाढ़ अकड़ दूंगा साढ़ सर दूंगा गाढ़. सो इसी तरह से जो है वो रोडीज एक्स टू का मैंने गाना बनाया था रोडीज के लिए और इसमें काफ़ी सा एक रोडीज का कैरेक्टर जो है इसके अंदर जो एक जज्बा चाहिए होता है और एक वर्बुलैरिटी के हिसाब से एक कॉकीनेस जो चाहिए होती है. और इसके साथ ही अलावा इसमें काफ़ी सारी एक जर्नी है जो कि एक रूढ़ी की होती है तो ये मैंने गाना उनके लिए बनाया था. और इसके अलावा मैंने 2 शॉर्ट फिल्म्स किए हैं और 1 कमर्शियल्स वगैरह किए हैं और 3 शॉर्ट फिल्म मैं और करने जा रहा हूँ और 2 फीचर फिल्म की मैं जो है स्क्रिप्ट कर रहा हूँ. सो लेट्स सी व्हाट फ्यूचर होल्ड्स फॉर मी और इसी हिसाब से काम करते जाना है आगे और देखते हैं क्या. इसके अलावा जितने भी रोडीज हैं या फिर जो भी रियलिटी शो से आते हैं वो या तो अपने रुख टेलीविजन की ओर करते हैं या फिर बड़े पर्दे के. आपने शॉर्ट फिल्म क्यों चुना? क्या काफ़ी डिफिकल्ट मीडियम है तो ऐसा कोई खास रीज़न शॉर्ट फिल्म चुनने का? शॉर्ट फिल्म मैंने इसलिए चुना क्योंकि शॉर्ट फिल्म का एक प्लेटफॉर्म ये प्लेटफॉर्म लोगों ने बनाया है जो कि एक दौरान जो TV से लेके कुछ माध्यम तक वो अपनी क्रिएटिविटी नहीं पहुँचा पाते हैं और एक सिस्टम जो चल रहा है उसके हिसाब से वो पैटर्न जो चल रहा है उसके हिसाब से लोग फिल्म बना रहे हैं. अब सिनेमा जो है वो बहुत बड़े लेवल पर हो जाता है और हमारे
हिंदुस्तान में, बॉम्बे में स्पेशली, इस इंडस्ट्री में लोग, इतने सारे लोग हैं, फ्रॉम एक्टर्स टू डायरेक्टर्स टू प्रोड्यूसर्स टू यू नो टू क्रिएटर्स, सो इन सभी को एक एक ब्रिज चाहिए था. सो ये जो ब्रिज है वो शॉर्ट फिल्म के जरिए लोग जो है अपना काम, अपनी क्रिएटिविटी, अपना पैशन जो है वो लोग दिखाना चाहते हैं. सो ये एक अच्छी बात है और मुझे इसमें हिस्सा होने का बहुत यू नो एक खुशनसीब महसूस करता हूँ अपने आप को कि मैं इसका हिस्सा हूँ. और या सो इसी हिसाब से हम जो है अलग अलग क्रिएटिविटी के हिसाब से अलग अलग क्रिएटिव फिल्म हम जो है मार्केट में लेकर आ रहे हैं. और दो तो मैं कर चुका हूँ, तीन और आने वाली हैं और उनके बारे में मैं वक्त के साथ साथ आते हुए बताऊँगा. और दे आर रियली लाइक क्रेजी इनसेन कॉन्सेप्ट. हर वक्त आपको लगता है ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, एंड समथिंग विच इज लाइक रियली स्टनिंग. सो या मैं ज़्यादा ना बताकर भी मैं बहुत कुछ बता चुका हूँ, बट यस. सो ये एक अच्छी बात है कि शॉर्ट फिल्म के जरिए लोग जो है अपनी कहानियाँ हो गई, चाहे वो पैशन पैशन के रिलेटेड हो गई या क्रिएटिविटी के रिलेटेड हो गई, वो इस तरह से लोग अपनी जो स्टोरीज नरेट करते हैं. और विच इज आई मीन ग्रेट. आई मीन देखा जाए तो आलिया भट्ट ने भी, हुमा कुरैशी ने भी, इरफान खान सर और नवाजुद्दीन सर, काफ़ी लोगों ने इसी तरह से, ये तो हमारे हिंदुस्तानी बॉलीवुड की मैं बात बता रहा हूँ, इंटरनेशनल लेवल पर बड़े बड़े लोग भी आज भी अगर स्टोरी अच्छी होती तो करते हैं. सो या सो इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म. आप काम करते हो वो उसको क्या प्लेटफॉर्म मिलता है, दैट्स बेसिकली नॉट एक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, बट वो एक्टर्स नहीं देखते. बट यस ऑब्वियसली अगर वो सिनेमा तक चले जाता है तो नथिंग लाइक इट. सो जिस हिसाब से हम देखते हैं कि शॉर्ट फिल्म जो है एक फेस्टिवल्स में जाती है और फिर उस पर फिल्म बन जाती है, और कुछ फिल्में जो है शॉर्ट फिल्म रहकर भी लोगों को यू नो स्टन कर देती है. सो दैट्स वन थिंग दैट, सो आई एम रियली हैप्पी कि इस हिसाब से मुझे फिल्म्स के रिव्यूज आ रहे हैं और जो मैं अगली फिल्म करने जा रहा हूँ उसके लिए मुझे और कॉन्फिडेंस मिलता है. सो दैट्स समथिंग इज है. इन दिनों आप इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, तो ऐसा कोई इंस्पिरेशन है आपकी लाइफ में जिसको आप एडमायर करते हो या फिर इंस्पायर्ड हो आप उनसे? ऑब्वियसली इंस्पिरेशन के लिए तो डीप डाउन द लाइन से मैं कैरेक्टर्स को ढूंढता हूँ, और आइडियलिज्म की जहाँ की बात आ जाती है तो ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी हमारे इंडस्ट्री में काफ़ी जो लेजेंड्स हैं जो काम कर रहे हैं, चाहे वो नवाजुद्दीन सर हो, चाहे वो इरफान खान हो, और काफ़ी इस तरह से जो है स्टार हैं हमारे हिंदुस्तान में जो कि इतने अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस फ्लॉलेसली करते हैं और आज उनको स्टारडम मिल चुका है, आज उनको जो है एक वो स्टार वैल्यू मिल चुकी है. सो दैट्स व्हाट एवरी एक्टर बेसिकली डाउन द लाइन सीक फॉर, सो व्हिच इज नाइस. ऐसा कोई जॉनर है जिसमें आप खुद को एक्सप्लोर करना चाहते हैं बड़े पर्दे पर अगर बात करें तो? देखो हर एक्टर बेसिकली भूखा होता है. वो हर कैरेक्टर को पोर्ट्रे करना चाहता है, तो हर तरह के जॉनर से अगर वो करना चाहे तो आई मीन सबकी ख्वाहिश होती है, और मिलना नहीं मिलना वो तो ऊपर वाले के हाथ में. बट यस फॉर मी आई वुड लव टू प्ले डबल रोल ऑफ मी, बिकॉज वो दो तरह के जो है कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करने को मिलता है उसे. जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी जो रिसेंटली शाहरुख खान सर की जो है फैन फिल्म आई है, सो दैट्स समथिंग विच इज़ रियली नाइस. एज एन एक्टर यू ऑलवेज लुक फॉरवर्ड फॉर कि इस तरह से कैसे मुझे कैरेक्टर्स मिल रहे हैं जो कि जो एक मैं हूँ और एक मुझसे हटकर है, या एक कैरेक्टर है उस कैरेक्टर से हटकर दूसरा भी उसका जो है दो वेरिएशन मिल सकते हैं. सो विच इज़ अ वेरी क्रिएटिव, वेरी रिस्की, बिकॉज एक थिन लाइन होती है, चाहे वो थ्रिलर से कॉमेडी ना हो जाए वो वाली बात है. सो इसी तरह से जो है एक ये जॉनरा है, और इसके अलावा मैं कॉमेडी ऑब्वियसली शक्ल मेरी थोड़ी रफ एंड टफ है, बट कॉमेडी समथिंग विच इज़ देयर विच आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर. और एक जैसे पुराने ज़माने में, जैसे नॉट पुराने ज़माने बल्कि जो बॉलीवुड में काफ़ी इस तरह से फिल्म बन चुके हैं जो कि एक दोस्ती यारी पे, रोमांसिंग पे जो है इस तरह की काफ़ी फिल्में बन चुकी हैं, जैसे बड़े मियाँ छोटे मियाँ और अक्षय कुमार साहब की, और अपना अक्षय कुमार सैफ अली खान एंड अक्षय कुमार अजय देवगन, सो इस तरह की दो हीरोज़ के लेके करण अर्जुन, तो इस तरह से जैसे जो ट्यूनिंग के लेके जो फिल्में बनती हैं, मैं इस तरह की कुछ फिल्म करना चाहूँगा तो बी रियली ग्रेट. इसके अलावा आप फिटनेस की बात करते हो, काफ़ी फिट दिखते हैं आप, तो कितने फिटनेस फ्रीक हैं? फिटनेस जी मैं फिटनेस फ्रीक तो बहुत हूँ, मैं अपनी सेहत का सबसे ज़्यादा ध्यान रखता हूँ क्योंकि दैट इज़ व्हाट इज़ समथिंग रियली इम्पोर्टेंट बॉलीवुड में या कहीं पर भी. ये ऐसा होता है कि जो दिखता है वो दिखता है, और आप अगर अच्छे दिखेंगे तो नथिंग लाइक इट. और यस डिपेंड करता है कौन सा कैरेक्टर क्या किस चीज़ की क्या खूबी है, तो उसके हिसाब से कहीं मेरे जिसमें फिल्म करने जा रहा हूँ जहाँ पे उतना हैंडसम या उतना फिजिक गुड फिजिक की जरूरत नहीं है, तो वहाँ पर मैं उस चीज़ पर काम नहीं कर रहा हूँ. सो आई वर्क एज पर टू द नीड ऑफ द कैरेक्टर, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे नाते ज़िंदगी में यस मैं अपना सेहत का बहुत ख्याल रखता हूँ, और मैं सिर्फ डोले बनाने में
और या वो सब बनाने में नहीं ध्यान देता हूँ, बट कि आई लुक ऑल ओवरऑल फिटनेस ऑफ माइंड. सो दैट इज़ वॉट मैं सभी लोगों को इनफैक्ट ये कहना चाहूँगा, सिर्फ डोले में ही ना रहें बल्कि पूरी शरीर पे काम करें ऊपर से लेकर नीचे तक. आई थिंक स्मॉल मसल्स आर यू नो नीड टू बी डिफाइंड एंड नीड टू वर्क मोर अपॉन. सो छोटी छोटी जो मसल्स हैं उन पर ज़्यादा काम करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, बड़ी तो आसानी से पानी चाहती है. यस थैंक यू सो मच. माय प्लेजर. थैंक यू.